एक्चुअली मैं आपको पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो ओके मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ। आपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि पहले मैं एक्चुअली लाइट आयुर्वेदिक से, में आ रही है आपके फेस में, आप लाइट के तरफ मुड़ेंगे। हाँ अभी आ रही। ओके एक्चुअली मैम मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि आप पहले मैं आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट ले रहा था। आप हाँ लगभग 6-7 महीने ट्रीटमेंट लिया मैंने उसमें। उसके बाद जब भी मेरे को कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मिला, फिर मैंने ये एलोपैथिक का ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद आपका एक वीडियो देखने के बाद, और साथ साथ में फिर मैं नेचुरोपैथी के तरफ भी गया। 1 महीना वहां रह कर आया हूँ। मैं भी 5 दिन पहले ही रह कर आया हूँ वहां पर उन्होंने काफी डिटॉक्स प्रोग्राम वगैरह किए, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिला मेरे को। लेकिन उस बीच में ना मैंने ये अपना जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट था वो बंद कर दिया था। आपने उस चीज के लिए मना किया था, हाँ फिर भी तो आपने बंद किया। वहां पर ना वे उन लोगों ने मना कर दिया था कि अभी आपको कोई भी अच्छा दवाई वगैरह नहीं नहीं लेनी है। तो वहां पर एक्चुअली स्टार्टिंग में तो वहां पर पेन मेरा काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब जब से मैं और जब मैं वहां पर गया था तो मेरा वेट लगभग 80 किलो था, और 1 महीने में जब मैं वहां से आया तो 60 केजी रह गया है। उन्होंने जो है बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दिया था। केवल स्टार्टिंग के 2 दिन उन्होंने उन्होंने एक टाइम रोटी दिया दी थी, और उसके बाद बिल्कुल लिक्विड पे ले आए थे। मॉर्निंग में भी 12 बजे जूस वगैरह देते थे, और इवनिंग में 6 से 7 बजे तक कोई भी सूप दे पीने के लिए, घी या काया तोरी का जैसे भी होता था। अब बस यही रहता था। अब शरीर में जो है वेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब मैं यही प्लान जो है मैं अभी भी घर में फॉलो कर रहा हूँ। और उन्होंने साथ में ना जैसे ये मैंगो वगैरह है, बनाना वगैरह है, इनको भी खाने के लिए मना किया था। अब मैं ये बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि भाई ये तो बनाना और मैंगो तो सीजन की चीजें हैं, ये तो खानी भी चाहिए। बहुत सारी चीजें उन्होंने मना किए हैं, ही किया था करने के लिए। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार उनकी तरफ उनकी बातें मानूं या फिर जो हमारा चल रहा है सात्वी कोड में उसको, क्योंकि सात्वी कोड में तो ये नहीं कहते कहते कि मैंगो वगैरह खाना बंद करना है या फिर बनाना हाँ वगैरह खाना बंद करना तो है। आपका मतलब अभी अभी पेन लेवल्स अभी कैसा है? मैम पेन तो है भी, मेरे घुटनों में भी है और कंधों में, शोल्डर्स में भी है, लेकिन ये वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। थोड़े मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगैरह करता। पहले तो मेरे को मैम जैसे रात को मैं सोता रहा था और मेरी आँख खुल जाती थी, तो मेरे को खड़ा भी नहीं हो जाता था। अब जो है मेरे को मतलब उतना ज्यादा पेन नहीं रहता, रात को नींद भी आराम से अच्छी आती है। बस थोड़ा यह है दर्द रहता है, तो उठ के बैठता हूँ तो घुटनों में दर्द होता है, थोड़ा सा चलता हूँ तो दर्द होता है, लेकिन वो ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है वो। अब मैंने वो ओके अपने और मैंने अपनी वो एलोपैथिक दवाई जैसी कर पाया, मैंने फिर से चालू कर दिया कर दिए मैं अच्छा उसमें आप फिर से चालू। तो आपके कौन से मैं दवाएं चालू है? एक तो मैं मिथोट्रेक्सेट लेता हूँ और एक फोलिक एसिड लेता हूँ, दो लेता हूँ ये। और साथ में एक वो पहले वो मल्टीविटामिन की भी लेता था। अभी कुछ दिन हाँ से जो मेरे यहाँ पर ही है डॉक्टर, उन्होंने मल्टीविटामिन की जगह मेरे को बीकासोल वगैरह का कैप्सूल आता है, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा आप ये लो, इसमें ज्यादा है ही विटामिन वगैरह जो मतलब अच्छा काम करेगा। बस 3 टेबलेट ही है, आप वीक में एक मिथोट्रेक्सेट लेने हैं और रोजाना फोलिक एसिड और एक बीकासोल का कैप्सूल लेना, दो ये। पेन किलर नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी। ओके तो और आपका वो कितना है मिथोट्रेक्सेट, 10 mg है कि 15 mg है? ओके 10 mg, 10 mg स्टार्ट थी, 10 mg 10 mg चल रहा है। ओके। और मेरा तो अभी मैंने आप आते ही अभी मैंने 12 तारीख सॉरी 14 तारीख में रिपोर्ट्स भी कराई कराई थी, तो मेरा ESR उसमें 76 आया था, CRP लेवल 28 आया था, और वो आर फैक्टर पॉजिटिव आया था। तो हमें तो जी स्लोली स्लोली वर्क करना है, और आप वैसे भी जी इम्प्रूवमेंट देख ही रहे हो, थोड़ा धीरे जी धीरे आप जी बोल रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ ये स्लो होता है थोड़ा थोड़ा, बट स्पीड अप अगर करना है तो जर्नी सात्विक कोड़ी आपको लर्न करना जी पड़ेगा। हाँ ये जो बोल रहे थे मैंगोज और बनाना सीजन में, फिर भी वो मना करे, वो क्यों मना करे? क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए, उसको जी खाना है तो बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो इसलिए वो एक्चुअली तो वो मॉडरेशन में ही खाने वाला चीज है। तो मेनली सात्विक में भी वाटर रिच ही खाना होता है,
तो जो एक्सरसाइज जी करते हैं उनके लिए मैंगो बनाना होता है, तो वो आपका एक डाउट क्लियर हो गया। और जितना अभी होता नहीं है खाना ना। जिसमें, हाँ तो जिस जी दिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो उस दिन एक दो पीस खा लिया तो कुछ नहीं होता है, तो सब कुछ मॉडरेशन में खा लो। और इम्पोर्टेंट है कि आप जिसमें प्राण शक्ति है वो चीजें खाए, और हमेशा खुश रहिए। आप बातें कर रहे तो अभी भी स्माइल होनी चाहिए फेस में, आप जी आपका स्टोरी शेयर कर रहे तो भी स्माइल करके ही करना है। तो ये आप कोड है, सात्विक कोड, तो मैं चाहती हूँ मैं गैलरी मोड में हर एक का फेस चेक करूंगी, सब स्माइल कर रहे हैं कि नहीं। यस आई जी कैन जी सी कविता जी स्माइल, पूरन जी स्माइल। तो यस स्माइल, जब हम ये स्माइल करते हैं ना तो हमारे, आप हमको पता भी नहीं, हमारे शरीर में 1000 केमिकल रिलीज हो रहे हैं। तो जी मैं ये जर्नलिंग जो बोलती हूँ, नोटबुक मेंटेन करना, आपने नोटबुक खरीदा खरीदा? अभी नहीं मैंने हाँ, नोटबुक तो में। खरीदना, आज ही खरीदिए। उसमें बिल्कुल लिखिए प्रेम लेटर, लिखिए प्रेम पत्र, लव लेटर लिखिए अपने फैमिली मेंबर्स को, वो इमोशंस लाइए। तो मैंने डाइट, मेरे को भी डाइट से उतना फर्क नहीं पड़ा था जितना ये सब करके हुआ, क्योंकि हमारे थॉट्स का सीधा सीधा असर होता है शरीर में। जैसे मैं आपको बोलती हूँ जी अभी आंखें बंद करो और संतरा विजुअलाइज करो, नींबू विजुअलाइज करो, कैसे सलाइवा आता है मुंह में, आता है कि नहीं? कभी कभी कुछ दुखा जी दुखी घटना सोच के हमारे आंखों में आंसू आते हैं। तो मतलब जब हम खुशी के घटनाएं सोचती है, खुशी के वातावरण क्रिएट करते, स्माइल करते, तभी भी हमारे बॉडी में कुछ तो रिलीज होता है जो दिखता नहीं है, पर वो जी रिपेयर का काम करते रहते हैं। बट क्या करते हम कभी कभी खुश रहते, ज्यादा टाइम दुखी रहते स्ट्रेस की वजह से, तो इसलिए वो असर नहीं करता है वो दवाई। दवाई कैसे हमें रोज खानी पड़ती है, तो ये खुशी की दवाई भी हमें रोज खानी है। इसलिए तो ये नोटबुक मेंटेन करने बोलती, स्कूल के बच्चों की तरह। स्कूल के बच्चे कैसे डिसिप्लिन रहते, रोज करते जो भी टीचर बोलते हैं, बट हम तो सोचते हम तो बड़े हो गए, हमें क्यों करना, राइट? अभी टाइम है फिर से बच्चा होने का, फिर से हमें स्टूडेंट बनना है, अगेन वी हैव टू बिकम स्टूडेंट। और लिखना है ये सब, क्योंकि हम लिखने से क्या होता है, पहले तो थॉट्स स्लो डाउन होते हैं, नेगेटिव विचार कम आते हैं, पॉजिटिव चीजें ज्यादा हम लिखते हैं, तो फोकस बढ़ता है। हम सात्विक कोडिंग करते हैं, अभी हमारा कल कोडिंग हो गया डिजीज वाला कोडिंग, हेल्थ वाला कोडिंग करना है, ब्रेन में जी रिपीटेड लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, तब तक वो। तो मैंने ये 1-2 साल किया था, तब जाके मुझे रिजल्ट मिला। मेरे नोटबुक्स पूरा भर गया है ड्रॉअर, इतने सारे नोटबुक 1-2 साल। तो मैंने सिर्फ डाइट पे काम नहीं किया है, मन बहुत, मन पे भी और विचारों पे भी बहुत काम किया है। तो अभी आपको समझा आप क्या किस किधर आपको वर्क करना है। मैम, करना तो सात्विक पे ही है। एक्चुअली हाँ क्या है ना, वहां पर पिछले 1 महीने से ना तो रोटी खाई है ना ही, हाँ मैं केवल लिक्विड पे ही चल रहा हूँ। अब अच्छा शरीर में थोड़ा वीकनेस, उस वजह से वीकनेस भी अब शो होती है। हाँ, तो इसलिए आपको तो नॉर्मल सात्विक डाइट ही लीजिए, 1 ग्रेन मील लीजिए, वीकनेस बिल्कुल जी नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप वीक फील करेंगे तो आपको डिमोटिवेशन आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे फिर से। तो आपको फास्टिंग जी भी कर रहे हो तो 1 ही दिन करना है हफ्ते में, उससे ज्यादा नहीं करना है, वीकनेस ज्यादा नहीं रहना। नेचुरोपैथी अगर 1 महीने के हो गया उसके बाद कंटिन्यू ज्यादा दिन नहीं करना है, साल में से एक बार इट इज ओके। ओके, जैसे ओके गाड़ी को एक बार हम सर्विसिंग में देते वैसे बस, तो उसके बाद नॉर्मली फॉलो करना है। मेन है खुश रहो, जो खुश रहते आपने देखा होगा कितने लोग हैं, सिर्फ खुश रहते उन लोग की बॉडी अच्छी है, हेल्दी है, सब कुछ खाते कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो क्या है उन डिफरेंस, वो हमें जानना है। जी ओके, तो होप आपको कुछ तो सोल्यूशन मिला आज से, आपको क्या करना है। पहले तो जी आपको मैम, नोटबुक खरीदना है और उसमें गाटा नोटबुक फॉर्मूला करना है, और मेरा हर एक लाइव सेशंस जो भी मैं कंडक्ट करती हूँ अटेंड करना है, और शेयर ओके करना है मैम, लोगों से। आपके घर में जो भी है उनसे आज जो भी सीखा कोड्स वो शेयर करना है, उनको भी लिखवाइए नोटबुक में, तो आपको देख देख के वो भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल ठीक मैम, है, दुआएं दवा का काम ओके करते हैं हमारे केस में। जी मैम, ओके ओके, तो चलिए, थैंक यू थैंक यू सचिन मैम, जी, बाय। ओके मैम, बाय बाय।